दिख रहा है वहाँ से, अभी ऊपर से बहुत साफ दिख रहा है, रिवर भी दिख रही है नीचे। ये हो रही है, आसमान खुला है पूरा। देखो हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मोहित पंत व्लॉग्स। आज है 3 तारीख और अभी सवेरे के बज गए हैं 7:30 और बस अभी थोड़ी देर पहले उठे थे हम, आधा घंटा पहले उठे होंगे। और अभी रात में बहुत ठंडा हो गया था बाहर मतलब, और अंदर तो बहुत गर्म था, बहुत कोजी था, बहुत पूरा वार्म था पूरा रूम, क्योंकि जो ये वुडन का जो वर्क है यहाँ ना, ये मतलब रात में जब ठंड होती है तो ये गर्म भी कर देता है ये कमरा। और अभी और मीनाक्षी कैसी रही, कैसा, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, गुड मॉर्निंग। ठंडा तो नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल ठंडा नहीं लगा, बहुत अच्छी नींद आई, एक ही बार में आई और सीधा सुबह ही नींद खुली है अभी 7 बजे। और अभी आपको बाहर का नजारा दिखाता हूँ। ये कुछ नज़ारा है हमारे रूम से बाहर का। और अभी हल्की हल्की धूप भी आ रही है, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे उस साइड पे, उस वाले पहाड़ पे, सामने वाले पहाड़ पे धूप आ गई है। आज मौसम साफ है। मौसम भी साफ है आज। कल हमने यहीं पर ही डिनर किया था अपना बैठ के। और अभी नहा धो के बाद, मतलब नाश्ता वाश्ता करने के बाद, पहले नहा धो लेंगे फिर नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम निकल जाएंगे बिजली महादेव। ये जो आपको दिख रहा होगा ऊपर से रास्ता जा रहा है, यहीं से गेट से जहाँ से हमने एंट्रेंस करी थी, यहीं से ऊपर रास्ता जा रहा है। 1.5-2 किलोमीटर की यहाँ से ट्रैकिंग है, बहुत पास है मतलब। और यहाँ से फिर हम निकल जाएंगे बिजली महादेव, और आज आपको दिखाएंगे अपने साथ बिजली महादेव और दर्शन कराएंगे आपको महादेव के, भगवान शिव शंकर के। अभी यहाँ से जो रास्ता है भैया बता रहे जंगल जंगल है। हाँ, ये रास्ता पूरा, क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट है ना, तो ये पूरा जंगल का ही रास्ता है। यहाँ से ये रास्ता जा रहा ऊपर ऊपर को सीधा ऐसे ऐसे करते करते। फिर अभी तो ये थोड़ा यहाँ पे जैसे रोड थोड़ी ख़राब है अभी बारिश के भी, क्योंकि बहुत मेरे ख्याल से मतलब मौसम पूरा बारिश का है, डेली बारिश ही हो रही है यहाँ पे, तो थोड़ा रास्ता अभी ऊपर ऐसे ही हो रखा है, ख़राब हो रखा है। फिर थोड़ा सा मेरे ख्याल से 500 या 600 मीटर चलने के बाद फिर मेन जो रोड है वो आ जाएगी ऊपर। आपने मेरे 2019 में जब मैं गया था, आपने उस वीडियो में देखा होगा जब मैं बिजली महादेव की ट्रैकिंग करने के लिए गया था, लेकिन मैं यहाँ से नहीं गया था, मैं चंदसाड़ी विलेज से गया था, वहाँ से 5-6 किलोमीटर के करीब है। और अभी बहुत अच्छा लग रहा है, सवेरे सवेरे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है, और 2-3 चिड़ियाँ तो यहीं पर ही हमारी जो विंडोज़ हैं इसी में मतलब अपने आप को देखती हैं तो चौंच मारती रहती हैं। हमने वीडियो भी बनाई थी अंदर से। और यहाँ पर भी मतलब जो बर्ड्स हैं उनकी स्पीसीज़ बहुत मतलब डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ हैं यहाँ पे बर्ड्स की। मीनाक्षी ने तो कैप्चर भी किया था उनको, अलग अलग तरह की है। अभी मॉर्निंग में तो पता नहीं, नाम नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी लंबी सी चोंच थी उसकी, 2-3 बैठी थी यहाँ पर, मतलब जिनको नॉलेज है वो बता सकते हैं। अच्छी थी, बहुत सुंदर, पिकॉक ग्रीन कलर की थी वो, लगातार अपने आप को देख कर शीशे में अपने आप को देख रही थी और चोंच मार रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था देख के, मैंने कैप्चर भी किया। तो अभी थोड़ी देर बाद नहाते हैं फिर आपसे मिलते हैं, वहीं पर ही मिलेंगे, डाइनिंग रूम में मिलते हैं फिर आपसे। वो अभी हो गए 9:15 और अभी भैया ने ब्रेकफास्ट बना दिया था, लगा दिया है, आलू के परौंठे बनाए हैं और ये काली चाय है, क्योंकि उसके लिए मना कर दिया था हमने कि चाय होती दूध वाली। और अभी खाते हैं, उसके बाद फिर निकल जाते हैं ऊपर बिजली महादेव के लिए ट्रैकिंग के लिए। तो अभी बज गए 9:30 और अभी हम जा रहे हैं बिजली महादेव ट्रैकिंग के लिए। और भैया हमारे साथ जा रहे हैं, अरे भैया और मीनाक्षी और कामाक्षी निकल गए बाहर, और ये मेन एंट्रेंस है, यहीं से हम अंदर आए थे और यहीं से अभी हम बाहर निकल रहे हैं। तो गोविंद भाई मिलते हैं आपसे शाम को, मिलते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, वैसे तो एक रास्ता यहाँ से भी जाता है लेकिन अभी हम यहाँ से जा रहे हैं इस रास्ते से। अच्छा, दोनों ही होंगे, सही है। और अब धूप भी निकल गई है अच्छी, तो मौसम मतलब अब मेरे ख्याल से 1-2 दिन अच्छा रहेगा, मौसम सुहाना रहेगा। और ये रास्ता जा रहा है ऊपर सीढ़ी से,
इनसे हम जाएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा आगे आ गए थे और अभी देखिए ऊपर थोड़े बहुत घर भी आपको दिख रहे होंगे रास्ते में, तो कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे घर। और घर के नीचे यहाँ पे तबीला बना रखा है, मतलब हमने पशु रखे हुए हैं, गाय अंदर, गाय भी हैं, बछड़े भी हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा है। ऊपर भी घर है, यहाँ से भी ऊपर घर है। तो अभी थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो फिर मेन रोड आ जाएगी, उसके बाद फिर क्या है ये सीढ़ी नहीं आएंगी, फिर सीधा रास्ता ऐसे रहेगा। और कामाक्षी और मीनाक्षी दोनों आ रहे हैं। यहाँ कितने अच्छे फूल लगे हैं मीनाक्षी, फूल कौन से होंगे यार? ये पहाड़ी फूल है, ये मुझे लग रहा है वो क्या बोलते हैं इनको, डहलिया नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तो अभी हम यहाँ तक आ गए थे और ये जो आपको जगह दिख रही है, यहाँ पे सब गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, मतलब जो लोग ट्रैकिंग करते हैं, जिनको ट्रैकिंग पसंद है वो चंसारी से जाते हैं, अदरवाइज जो लोग ज़्यादा ट्रैक नहीं कर पाते तो ये लास्ट होता है यहाँ पर गाड़ी का। यहाँ पर सब पार्किंग में लगाए थे, ये गोबा विलेज है और यहाँ पर रेट भी लिखे हुए हैं पार्किंग के कि पर नाइट कितना रखते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ से रास्ता जा रहा है ऊपर। और जब मैं आया था चंसारी से तो मैं वहाँ से आया था और मैं वहाँ से यहाँ आके फिर मैं ऊपर ही निकल गया था, ये रास्ता जा रहा है ऊपर। और बहुत अच्छी खिली खिली धूप निकली है, सामने आपको बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ दिख रही होंगी। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है और काफ़ी मज़ा आ रहा है इस टाइम पर। बस हम यहाँ से अब निकल जाएंगे ऐसे ऐसे ऊपर करते हुए। और यहाँ पर भी कुछ शॉप्स हैं आपको दिख रहे होंगे सामने, गाड़ियाँ टेम्पो ट्रैवलर भी खड़े हुए हैं काफ़ी, तो अभी लोग आए होंगे ऊपर। तो अभी हम थोड़ा ऊपर आ गए थे और व्यूज़ देखिए कितने अमेजिंग व्यूज़ हैं। और कुछ ऐसा रास्ता जा रहा है और वो सामने मीनाक्षी है। मज़ा आ रहा है मीनाक्षी? बहुत बढ़िया। बिजली महादेव की भी ट्रैकिंग हो गई। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और अभी हम वहाँ से आए हैं नीचे से। और ये पेड़ देखते हैं, अब देवदार के पेड़ हैं सारे लाइन से। और धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है, मतलब सुहाना मौसम है। और भी आपको नीचे सारा पूरा कुल्लू एरिया दिख रहा होगा, वहाँ पे एयरपोर्ट हो गया, सब कुछ दिख रहा है वहाँ से। अभी ऊपर से बहुत साफ दिख रहा है, रिवर भी दिख रही है नीचे। काफी मजा आ रहा है इस टाइम पे। ग्रीनरी भी उतनी हो रही है, आसमान खुला है पूरा। अब देखिए रास्ता ऐसे हो गया है बिल्कुल अच्छा सा, बस रोड थोड़ी सी नैरो है लेकिन रास्ता बिल्कुल अच्छा हो गया। बस नीचे का जो आधा ही किलोमीटर जो था वो थोड़ा सीढ़ियों वाला था, पौड़ी वाला था। अब रास्ता थोड़ा बीच में हल्का हल्का जैसे ऊपर नीचे है, और बाकी अब ऐसे वाला रास्ता आ गया, बिल्कुल बढ़िया रास्ता है। और रोड आपको दिख रही होगी कितनी पतली है। और भैया के यहाँ से ये मेरे ख्याल से कितने दो किलोमीटर के ऊपर होगा, डेढ़ दो किलोमीटर से होगा, ऐसे डेढ़ किलोमीटर ही वो पहाड़ का ना। हाँ, डेढ़ दो किलोमीटर से, दो किलोमीटर तक वैसे होगा। और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और धूप देखिए आप कितनी खिली हुई धूप निकली हुई है इस टाइम पे। और व्यूज़ देखिए ऊपर ही पेड़ ही पेड़, देवदार के पेड़ लगे हुए हैं, चीड़ के पेड़ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मतलब इस टाइम पे। मैं
तो अभी बज गए हैं 11:30 और हम बिजली महादेव पहुँच ही गए ऑलमोस्ट। आपको दिख रही होगी आगे दुकानें, तो ये सब दुकानें खाने पीने की, जब आपने लास्ट टाइम मेरी वीडियो में देखा होगा ये दुकानें पलटी हैं और सीधा मंदिर जो है वो ऊपर ही है। तो हम 9:30 निकल गए थे अपने कैंप साइट से और अभी हो गए 11:30, तो हमारे को हो गए 2 घंटे पहुँचते। तो वही हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के करीब पड़ा होगा कैंप साइट से बिजली महादेव, और बस पहुँच ही गए अब। और ये मीनाक्षी और कामाक्षी आ रहे हैं पीछे, और सामने पीछे आपको दिख रही होगी बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ पर्वत। बस अब पहुँच ही गए, तो मिलते हैं, सीधा आ गए आपसे मिलते हैं अभी। तो अभी हम बिजली महादेव मंदिर ही जा रहे हैं, प्रसाद मीनाक्षी ने ले लिया था, वही जहाँ मैं भाभी जी थी उनसे मुलाकात हो गई थी, अभी गप्पे अप्पे मार रहे थे, अभी वहीं जाके खाएंगे पियेंगे। और प्रसाद मीनाक्षी ने ले लिया है और ये रास्ता जा रहा है बिजली महादेव को, और बस हम ऊपर ही जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने। और यहाँ पूरा एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे टेंट ही टेंट लगे हुए हैं, खाने पीने का सब कुछ है यहाँ पे। और ऐसा कुछ रास्ता जा रहा है ऊपर बिजली महादेव को। अभी एक्चुअली ऊपर श्रद्धालु भी कम ही आए हुए हैं, क्योंकि तब से बारिश ही हो रही है तो बहुत कम आ रहे हैं यहाँ पे, इक्के दुक्के ऐसे लोग श्रद्धालु इतने ही आ रहे हैं। और वहाँ से हम ट्रैकिंग करके वहाँ से आए थे, और जब मैं ट्रैकिंग करके चंसारी की आया था मैं वहाँ से आया था। तो चलते अभी ऊपर ही। तो अभी बिजली महादेव मंदिर हम पहुंच गए हैं, ये गेट है, यहाँ से अंदर आपको रास्ता दिख रहा होगा जा रहा है बिजली महादेव को, और सामने ही वो मंदिर है और वो धर्मशाला है, और पुजारी जी जो वहाँ रहते हैं उनके रुकने का स्थान है। और सामने मेन गेट दिख रहा होगा, उसमें लिखा भी है बिजली महादेव। और ये पूरा आप एरिया देख रहे हैं, पूरा 360 डिग्री एरिया है, यहाँ से आपको पूरा 360 डिग्री एंगल दिखेगा, और गजब लोकेशन है, ऑसम। वहाँ बैठने का भी है, और देखिए हिमालयस, देखिए बर्फ से ढके हुए पहाड़, बिल्कुल अमेजिंग व्यू है। तो फाइनली हम पहुँच ही गए ऊपर। ये बात है, तो ये आ गया मेन गेट। जय बिजली महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। तो भगवान शिव शंकर की कृपा से हम पहुंच गए, और ये छोटा सा मेन गेट है। बस पहुंच ही गए अब। और सामने ही मंदिर है। पौराणिक इतिहास के अनुसार कुलांत नामक दैत्य ने यहाँ के सभी जीवों को मारने के लिए ब्यास नदी का पानी रोक दिया था। महादेव ने इस समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ आकर उस दैत्य से कहा कि उसकी पूंछ में रक्त फूल यानी आग लग गई है। ऐसा सुनते ही दैत्य जैसे ही पूंछ देखने के लिए पलटा, भगवान शिव ने उसका अंत कर दिया। इसके बाद उस दैत्य का शरीर एक सांप के रूप में बदलकर आज की कुल्लू की पहाड़ियाँ बन गया। तो यहाँ भी रश अभी इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से लोग श्रद्धालु कम है, लेकिन थोड़े बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी आपको दिख रहे होंगे वहाँ भी बैठे हुए हैं, तो दिख रहे हैं यहाँ पे अभी थोड़े बहुत। और यहाँ पे भी है रुकने का, मतलब जो पुजारी हैं वो यहीं पर ही रुकते हैं, उनका रुकने का यहीं पर ही है, बाकी जो पुलिस वाले होते हैं उनका ऑफिस भी यहीं होता है, इसी साइड पर ही है नीचे राइट साइड पर। और ये धर्मशाला है मंदिर का, मैं जब लास्ट टाइम आया था मैं यहीं रुका था धर्मशाला के अंदर। और ऊपर और यही वो मतलब अभी मेरे ख्याल से 1 महीना पहले सारा अली खान भी आई थी, अभी न्यूज़ में भी काफ़ी आया था, वो बिजली महादेव में ही आई थी यहीं पर ही भगवान शिव के दर्शन करने। बस अब पहुँच ही गए।
तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर जी को, और अभी भैया की भी मेरी जान पहचान जिनसे मैं रुका रहा जिनके धर्मशाला में, वो मिल भी गए, उनसे भी जान पहचान थी पहले ही, अभी पहचान गए वो भी। और अभी कह रहे हैं कि अभी अंदर जाके दर्शन नहीं हो रहे क्योंकि पाठ चल रहा है यहाँ पे 7-8 दिन से, तो अंदर जाके दर्शन कल, आज और कल तक नहीं होंगे, परसों से अंदर जाके दर्शन होंगे, बाहर से दर्शन करने के लिए कह रहे हैं ना। हाँ, प्रसाद चढ़ा सकते हैं और दर्शन भी है, पानी ठंडा वाला पी लो। तो अभी मंदिर के अंदर तो जा नहीं सकते, अभी बाहर से ही हाथ जोड़ लेते हैं और प्रसाद चढ़ा लेते हैं। भारी पुजारी जो हैं बाहर ही बैठे हुए हैं, महादेव के आदेश पर हर 12 वर्ष में मंदिर के ऊपर आकाशीय बिजली इंद्र आज्ञा लेकर गिराते हैं ताकि यहाँ के जीवन पर कोई आपदा नहीं आए। बिजली के आघात अपने ऊपर लेकर महादेव शिव जन जीवन की रक्षा करते हैं। ओम नमः शिवाय।